हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। स्टेज सीरीज में हम लोग बिहार दरोगा SI से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हम आने वाले हैं, और जो बिहार पुलिस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनके लिए हेल्पफुल होगा, ये GK GS का क्वेश्चन और मैथ का। तो प्लीज़ वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिमसा, भवानी, अमरावती, हरंगी किसकी सहायक नदी है? 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी की। ये तीनों सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताया जा रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहला है महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल। सेकेंड कह रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। थर्ड है सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 और पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। चारों जो है ये सही अपने सेम तिथि पे हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, होमोग्लोबिन के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और होमोग्लोबिन के बारे में कौन से तीनों कथन में से तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है होमोग्लोबिन, ये भी सही है। ये लोह युक्त यौगिक है, ये भी सही है, और यही रक्त की लाल रंग को प्रदान करता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन भारत आगमन के समय भारत का वासायरा कौन था? जब कैबिनेट मिशन आया था उसमें भारत का वासायरा कौन था? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वासायरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार देश के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता की थी संविधान सभा की प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जीवधारायों का समूह एक विशिष्ट खास श्रृंखला का घटक नहीं है? 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैंकटन, मानव, मछली और टिड्डा। ये जो है जीवधारियों का समूह का विशिष्ट खाद्य श्रृंखला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील सबसे बड़ी लेगुन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासक का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन से सही इसमें मैच कर रहे हैं। 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठे थे। ये तीनों एक सीरीज में है, सही है ये ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, पचवत, महावत्र, अनुवत्र, सयावाद शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों शब्द जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है हमारा, भारतीय संविधान सभा के किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर, 22 जुलाई 1947 के द्वारा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकारों के संरक्षा से ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे तीन कथन दिए गए स्टेटमेंट, उनमें से विचार करके बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सेकेंड है हमारा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीन सही है। और ये जो ऊपर वाले फर्स्ट और दो स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है और तीन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ था। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैमूर के बाद सैयद वंश आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन पे पेरिस्कोप काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनरो, हेक्टर मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध था उनका। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब राष्ट्रीय अधिवेशन जो था भारतीय का अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल बताने का कुंजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्न में से किस भाषा में लिखी थी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी में गुलामगिरी 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन केवल रबी की फसलें हैं। 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौ और चना ये रबी की फसलें हैं, बाकी ये तीनों नहीं है, गेहूँ, ज्वार, मक्का और मटर, धान और कपास ये तीनों नहीं है, जौ और चना रबी फसलें में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा देश G7 के सदस्य देश नहीं है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं और आने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए बिहार SI और बिहार पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कॉमेंट करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, नंबर 28 कह रहा है, हाल ही में सलमान रुश्दी को किस देश का शांति पुरस्कार मिला है। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी, जर्मनी से सलमान रुश्दी को शांति पुरस्कार मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरीनाम ने द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, 30 कह रहा है, सैदव सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ। तो 30 का आंसर हो जाएगा का ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार, विशाल स्नानागार जो था वहाँ पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये से मैं 12.5 किलोमीटर चावल ज़्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल कीमत क्या है। देखिए दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करवाना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो मैं आंसर बता देता हूँ मैथ का, इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी, 16। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आंसर बता दिया है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मेटूर बांध किस नदी पर है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी बांध पर मेटूर बांध है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभाओं में सीटों का जो है आरक्षण किया गया है, 33 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है, भारत के किस दिन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया था। चंद्रयान 3 जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, उस किस दिन लॉन्च किया गया था। तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 का प्रक्षेपण हरिकोटा से किया गया था। 35 की तरफ, 35 कह रहा है हमारा, जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है। 35 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस जो है जल जनित, ये जल से बीमारी होती है। 36 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 5 और 11 जो है, 5 से 11, ये नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं हम, 37 कह रहा है, किस समिति ने ग्राम पंचायत और ग्राम समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी, किस समिति ने। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत और ग्राम समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है साउथ इंडिया की प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39, 39 कह रहा हमारा, भारत के किस राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 40, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। 40 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से डेविस कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो इसका किलोमीटर पर आवर चाल क्या होगा। तो 41 का मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 4.5। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9/17। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन से। आके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता था। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई 2023 में किस क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में, ऊपर की तरफ आते हैं, 80 हो जाएगा, अजीत अगरकर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं हम लोग, 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था प्रथम युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं, 46 कह रहा है, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या होता है प्रभाव, बैंक दर में अगर वृद्धि होगी तो तरलता में कमी आएगी, वाणिज्य बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जा सकती है, और थर्ड है वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी होगी। ये तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 47 कह रहा है, करनाल तथा मयानी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ये तीनों, ये दो अभयारण्य जो हैं
करनाल और मयानी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर मैं बता देता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हमारा, भगत सिंह की हत्या किस मामले में हुई थी? तो 49 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांडर्स हत्याकांड में। सांडर्स को उन्होंने गोली मार दिए थे जिनके कारण उन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं हम, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है, कुमायूं हिमालय का विस्तार किस नदी के बीच में है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 52, गुरु गोविंद सिंह को किसने 1708 में हत्या कर दिया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा, जमशेद खान ने इनकी हत्या कर दी थी। 52 का आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53, सोपारा अभिलेख भारत के किस राज्य में है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको गाइस, महात्मा गांधी द्वारा यह चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही क्रम कौन सा है? पहला क्रम आपको दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह ऑप्शन नंबर में, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर दिया गया है चंपारण सत्याग्रह पहले किया था उन्होंने, या खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, या ऑप्शन सी में दिया गया अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और लास्ट ऑप्शन दिया गया आपका सीरीज जो है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर या खेड़ा सत्याग्रह, ये ऑप्शन दिए गए आपको सीरीज में, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल चंपारण सत्याग्रह किया था, फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56, 56 कह रहा है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? 56 आंसर नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का स्पीड जो होता है वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिकतम होती है? 57 का ऑप्शन नंबर ए होता है, रेडियो तरंगे की, तरंग दैर्ध्य की लंबाई बहुत अधिक होती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने, पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, 100 क्वेश्चन का है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे ध्यान से सुने। आप इसे एक दो बार अगर कहीं पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और दो तीन बार वीडियो को सुनेंगे तो सुन के भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक से संबंधित, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। 58 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 59, भारत की टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, 61 है हमारा, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोइट जो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में से कौन मिलान गलत है? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओबरा छत्तीसगढ़ में उपस्थित नहीं है, बदरपुर दिल्ली में है, कहलगांव बिहार में, कवास गुजरात में, ओवासा छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 63 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य करणीय ऊर्जा के स्रोत है? अनिवीकरणीय के स्रोत है, 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा जो है
आणविक कर्णीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हमसाना तथा पंडपुरी किसकी प्रजाति हैं? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस की प्रजाति हैं हमसाना और पंडरपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मुगल प्रशासन में मुहत शिव था? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी जो है, लोक आचरण, वो मुगल प्रशासन में मुहत शिव कहा जाता था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था उन्होंने, कब बंद कर दिया था या रोक दिया था? 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है हमारा, सूर्य के दिन्दिमान सतह को क्या कहते हैं? 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश मंडल कहते हैं दृष्टिमान सतह को सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किस कारण से दिन और रात होता है? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति के कारण से। पृथ्वी जो अपने गोल गोल घूम रही है, उसके कारण ही दिन रात होता है, अपने अक्ष पे जो वो घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69 हमारा आंसर क्वेश्चन है जो, किस युद्ध में निजाम नामक भिष्टी ने हुमायूं की जान बचाई थी? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा के युद्ध में भिष्टी ने हुमायूं की जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 70, सासाकावा पुरस्कार के किस क्षेत्र में दिया जाता है? सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कृषि एक रूप है? झूम कृषि भारत के किस राज्य में अधिकतम किया जाता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में सबसे ज़्यादा शिलाशय अभिलेख पाए गए हैं या चित्र पाए गए हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 73 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में वहाँ 14 सदस्यों की कुल सीट है या संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है हमारा, चाय उत्पादन में भारत कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है? 74 का बी हो जाएगा, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं हम। 75 कह रहा है, भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, दोनों एक साथ पहुँचेगा, इसका सही आंसर है। ठीक है, छोटा पत्थर ज़मीन पर रहेगा पहले पहुँचेगा, ये गलत होगा, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुँचेगा ये भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगे, दोनों पत्थर को गिराया जाएगा ऊपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ चलते हैं। 76 है हमारा, सुमलित कीजिए, मैच द फ्लोइंग करना है इसमें, और नीचे ऑप्शन दिया गया, बताना है कौन सा सही मिलान है। 76 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, मैं बता देता हूँ इसका। देखिए, बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है, ठीक है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। कंठे महाराज जो है वो तबला बजाते हैं, वो तबला से संबंधित है उनका संबंध। भीमसेन जोशी, उनका गायन से संबंध है भीमसेन जोशी का। अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, उसके बाद कंठे महाराज का संबंध है तबला से, भीमसेन जोशी गायन से संबंध है उनका, और अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। 77 कह रहा है हमारा, जीमेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास भारत ने किस देश के साथ विशाखापट्टनम में आयोजित किया था? जीमेक्स 2023 का जो युद्ध अभ्यास हुआ था, भारत ने किसके साथ किया है? तो 77 का ये आंसर हो जाए, जापान के साथ भारत ने जीमेक्स 2023 का संयुक्त अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
78 कह रहा है वर्तमान में भारत में कैबिनेट के सचिव कौन से हैं, तो 78 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ए राजीव गांवा, भारत के कैबिनेट सचिव हैं फिलहाल। 79 का मैं बता देता हूँ आंसर, और इसका टिक रीजिंग से क्वेश्चन देखिए, 5 3 15 इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें 4 जोड़ दिया, 19 हो गया, 7 5 35, 5 जोड़ दिया है 40 हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ 40 है, और 6 गुना 7 42 प्लस 3 45, तो सही आंसर हो जाएगा सी इसका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगस्त 1904 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? 80 का ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मनी में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था सबसे पहले महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कह रहा है, ये मैच द फॉलोइंग करना है, ये दिए गए ऑप्शन इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो अनुच्छेद 61 जो है इसका संबंध है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख का संबंध है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से, अनुच्छेद 94 का संबंध है आपका स्पीकर को हटाने से, अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति को हटाने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ मैच द फॉलोइंग करके भी बता दिया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कह रहा है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? 83 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। और हमारा 18 जुलाई 2023 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80 स्थान है भारत का, और सबसे है जो है जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होता है, नंबर वन पे है जापान का पासपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 85, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मैक्स ब्रे मफिंड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह मैक्स बेनफील्ड जांच समिति इससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 88, कंधमाल हिंदी को GI टैग मिला यह किस राज्य का है? कंधमाल जो है हल्दी को GI टैग मिला वो किस राज्य से संबंधित है? 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उड़ीसा। ये उड़ीसा की हल्दी जो है कंडमाल हल्दी, यहाँ को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा नहीं है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा नहीं लिखा गया, और बाकी ये जो है चरित्रहीन, श्रीकांत, शेषपस, प्रश्न, ये तीनों उपन्यास उनके द्वारा लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 90, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का ज़्यादा जो होता है विक्षेपण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं हम, 92 कह रहा है कासा मिश्र धातु है, तो कासा बनता है तांबा और टीन को मिला के कासा धातु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, प्रवाल क्या है? 93 का ऑप्शन हो जाएगा एक समुद्री जीव है प्रवाल। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व कप क्रिकेट 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्व कप क्रिकेट 2023 आयोजित किया जाएगा। 95 कह रहा है हमारा,
राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। 96 क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 96 का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। किसने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 98, रिएक्टर स्केल निम्न में से किसकी तीव्रता मापता है? 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप नापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 99, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, भांगड़, जो पुरानी मिट्टी होती है कछार मिट्टी उसे कहते हैं, और नए को भावर या खादर कहते हैं, नए मिट्टी को, पुरानी कछाड़ी मिट्टी को भांगड़ कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जिसके अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी बिहार में 1923 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो ये डिस्कशन रहा आज का दोस्तों 1 से 100 क्वेश्चन का, जो बिहार SI दरोगा और साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी सहायता मिलेगी तैयारी करने में। जम के लगे रहिए, हार मत मानिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।